सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज आया था सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 के लिए दिसंबर का सिक्योरिटी अपडेट। तो इसे मैंने अपडेट कर लिया हूं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सैमसंग के A7 2018 के वेरिएंट में एंड्रॉयड 10 का अपडेट कब आया है और ये जो अपडेट आया इसमें आप लोगों को क्या क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 में बहुत ज़्यादा बग्स हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था लोगों को, किसी को टच इशू हो रहा था, किसी को नेटवर्क में इशू हो रहा था, मुझे तो भाई सब नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इशू फेस करना पड़ा। लेकिन ये अपडेट आने के बाद कुछ चीज़ें ठीक हो चुका है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था लगभग नवंबर या फिर अक्टूबर के आसपास, उसमें आप लोगों को मिला था शायद सितंबर का सिक्योरिटी अपडेट। तो वहाँ पर जो नेटवर्क इशू है उसे सॉल्व कर दिया गया था, लेकिन टच इशू वहाँ मेरे स्मार्टफोन में आ रहा था। तो ये लगभग 384 समथिंग MB का ये अपडेट आया हुआ है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये लगभग 364 MB का अपडेट आया हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है कि यहाँ पर आपको 1 दिसंबर का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा और जो बग्स हो रहे थे उसे फिक्स यहाँ पर कर दिया गया है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सैमसंग ने ठीक किया है और क्या चीज़ों में अभी भी आपको बग्स यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो ज़्यादा बग्स नहीं है, आप डेफिनेटली इसे अपडेट कर सकते हैं अगर आपके पास सैमसंग का A7 2018 वेरिएंट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाके इसे अपडेट कर लीजिए और आपका जो बैटरी परसेंटेज है इसे आप लोग 50% से एवा भी रखिएगा। जो पहला चेंज और एक मेजर इशू सैमसंग ने यहाँ पर सॉल्व किया है वो है बैटरी ड्रेन का। सैमसंग गैलेक्सी A7 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैटरी ड्रेन का इशू हो रहा था, डेफिनेटली आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोगों को ये इशू फेस करना पड़ा था, लेकिन इसे सैमसंग ने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। बैटरी ड्रेन का जो इशू है यहाँ पर सैमसंग ने सॉल्व कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा सैमसंग ने काम किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैटरी ड्रेन का इशू हो रहा था मेरे स्मार्टफोन में। लगभग 1 दिन का भी बैटरी बैकअप नहीं दे रहा था, अभी भी 1 दिन का नहीं दे रहा है क्योंकि पुराना स्मार्टफोन है, आप लोग जानते हैं कि पुराना होने के बाद ऑलरेडी बैटरी ड्रेन थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। लेकिन अब पहले के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ तो अभी ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो ड्रेन इशू हो रहा था उसे सैमसंग ने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। 1 दिसंबर के यहाँ पर आप लोग का सिक्योरिटी अपडेट मिल गया, तो नो डाउट आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट ये होने वाला है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन में कब जाके एंड्रॉयड 10 का यहाँ पर आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 10 का अपडेट अभी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, यह आप लोगों को 2020 के क्वार्टर 1 यानी कि लगभग मार्च के आसपास आप लोगों को इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 10 और साथ में सैमसंग के UI 2 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो आपको एटलीस्ट मार्च तक इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये सैमसंग का पहला मिड रेंज स्मार्टफोन था जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल रहा था बैक साइड में, तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है सैमसंग। इसे हालांकि रेगुलर अपडेट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, हर एक मतलब 2 या 2.5 मंथ के बाद एक अपडेट यहाँ पर सैमसंग के इस स्मार्टफोन में आता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सैमसंग के मिड रेंज स्मार्टफोन की जो अपडेट पॉलिसी है वो कितना ख़राब है, मतलब 2-2.5 मंथ के बाद एक अपडेट आना, इससे साफ है कि सैमसंग अपने मिड रेंज स्मार्टफोन की ज़्यादा केयर यहाँ पर नहीं करता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके स्मार्टफोन में A7 में मार्च में जाके एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलेगा और आप लोगों को इस अपडेट में क्या क्या बग्स फिक्स हुआ और क्या क्या बग्स आए ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।